क्या शिवसेना सरकार में शामिल होकर कांग्रेस गलती कर रही है? क्या शिवसेना संग जाना महाराष्ट्र में कांग्रेस को दफन करने जैसा है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि ये सवाल उठा रहे हैं पार्टी के ही एक नेता और मुंबई कांग्रेस के पूर्व प्रमुख संजय निरुपम, जो लगातार शिवसेना के साथ गठबंधन करने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। शिवसेना से हाथ मिलाने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मंजूरी मिलने की खबर सामने आते ही अपने ट्वीट के जरिए संजय निरुपम ने शिवसेना के साथ हाथ मिलाने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के इस फैसले को वो एक बड़ी गलती बताने से भी नहीं चूक रहे। अपने ट्वीट में संजय निरुपम ने लिखा है, वर्षों पहले उत्तर प्रदेश में बीएसपी के साथ गठबंधन करके कांग्रेस ने गलती की, तब से ऐसी पिटी कि आज तक नहीं उठ पाई। महाराष्ट्र में हम वही गलती कर रहे हैं। शिवसेना की सरकार में तीसरे नंबर की पार्टी बनना कांग्रेस को यहां दफन करने जैसा है। बेहतर होगा कांग्रेस अध्यक्ष दबाव में न आए। संजय निरुपम का कहना है कि नए विधायकों को अपने भविष्य की चिंता है, पर गठबंधन के बाद उनका भविष्य और ज्यादा खतरे में पड़ जाएगा। निरुपम ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी सरकार केवल एक कल्पना है। अगर हम उस कल्पना को वास्तविकता में बदलना चाहते हैं, तो शिवसेना के समर्थन के बिना ये संभव नहीं होगा, और यदि हम शिवसेना का समर्थन लेते हैं तो ये कांग्रेस के लिए घातक होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब संजय निरुपम सवाल उठा रहे हों। चुनाव परिणाम के बाद से संजय निरुपम बार बार कहते रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार न बन पाना शिवसेना बीजेपी के झगड़े के कारण है। निरुपम इस अस्थिरता में पाप का भागीदार शिवसेना को बताते रहे। अब जबकि उनकी पार्टी शिवसेना से गठबंधन कर रही है, तो निरुपम को इस बात का गुस्सा है कि शिवसेना के पाप में कांग्रेस भी भागीदार बन रही है। निरुपम बेहद गुस्से में कहते हैं कि जिस राज्य का नेतृत्व कांग्रेस ने किया है, आज उसमें तीसरे नंबर की सरकार की भागीदार बनने जा रही है, जो पार्टी के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि संजय निरुपम एकमात्र ऐसे नेता नहीं है जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। खबरों की माने तो पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो इस फैसले के खिलाफ हैं, लेकिन वो निरुपम की तरह खुलकर बोलने से परहेज कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ वर्ल्ड की रिपोर्ट।